बाराबांकी के भीटिया में संचालित सरकारी धान क्रय केंद्र पर लगा भाकियू टिकेट पदाधिकारियों के साथ किसानों का जमावड़ा। किसानों का धान तोल न होने से दो दिन पहले भाकियू टिकेट ने तहसील प्रशासन को सौंपा था ज्ञापन, फिर भी किसानों का धान तोल में हो रही है हिला हवाली। इसी को लेकर भाकियू टिकेट के जिला उपाध्यक्ष शांति भूषण सिंह के अगुवानी में दर्जनों किसान ट्रोलियां लेकर पहुंच गए क्रय केंद्र। आनन फानन में मौके पर पहुंचे तहसीलदार तपन कुमार मिश्रा किसानों की भीड़ देखकर क्रय केंद्र प्रभारी गायत्री मौर्य से गोपनीय वार्ता कर वापस लौटे गए। इस बात को लेकर किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। किसानों का कहना है कि हम सर्द रातों में चट्टान की तरह क्रय केंद्र की इर्द गिर्द जमे रहेंगे जब तक हमारे धान की तोल नहीं हो जाएगी। जनपद की तहसील राम सनेह घाट अंतर्गत जहां जो है सरकारी क्रय केंद्र बनाया गया है, जहां किसानों का धान तोला जाना है, उसी का रियलिटी चेक करने आज मैं पहुंचा हूं। ये देखने कि किसानों का जो धान है वो सरकारी शासनादेश के मुताबिक तोल हो रही है या उनको कोई समस्या हो रही है। कुछ हमारे साथ किसान है, मैं उनसे भी बात भी करूंगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं कि कितनी दूर तक ये लखनऊ और अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग है, जहाँ पर जो है लंबी लंबी कतारबद्ध तरीके से किसानों की ट्रालियाँ खड़ी हैं, जिसकी मुख्य वजह है कि वहाँ जो परिसर है वो तो पूरी ट्राली से खचाखच भरा हुआ है। इसीलिए लोग अब अपना धान किसी तरीके से बिक जाए इसी आशा और उम्मीद के साथ घर से निकल पड़े हैं, और अपने जो ट्राली ट्रैक्टर है किसी का किराए पे है, किसी का अपना निजी वाहन है, लेकिन वो फिलहाल जो हमको यहाँ दृश्य दिखाई दिया वो जो है पूरी तरीके से चौंकाने वाला है। मेरे साथ यहाँ जो बिल्ला के मुताबिक दिखाई दे रहा हूँ उसमें कुछ किसान यूनियन के पदाधिकारी भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ये रोड पे क्यों जो है ट्राली ट्रैक्टरों के खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? ये डालिया सब आप लोग? ये हमारी डालियाँ नहीं है, सब किसानों की डालियाँ हैं। किसानों ने काफ़ी समय से इंतजार किया कि आज हमारा नंबर आएगा, कल हमारा नंबर आएगा, लेकिन नंबर केवल यहाँ बिचौलियों का चलता है, बिचौलियों का धान तोला जाता है। वर्तमान समय में भी बिचौलियों का ही धान तोला जाता है। आज ये इस तरीके से आप कह सकते हैं पूरी की जो है ये बिचौलियों को टाला जा रहा है। इस तरीके से धान नदी डालियाँ जब हम सुबह यहाँ पे आए हैं, हमारे सामने सात बहुत बड़े बड़े टाला जिसमें 300-400 टकिया धान लगी हुई थी वो हमारे सामने लेकर आए। ऐसा जी, अब उनको ये डर रहा होगा कि जब ये लोग आए हुए तो प्रशासनिक अधिकारी आएंगे यहाँ पे, जांच पड़ताल होगी, जांच पड़ताल होगी तो हम पकड़े जाएंगे, इसके डर से पकड़े। और कुछ लोग हैं जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा वो कहाँ से आए, कितनी दूरी से आए हैं, उनके नज़दीक में क्रय केंद्र है या यही पड़ोस के हैं। आप ज़्यादा कहाँ से आए? कितनी दूरी है आपका गांव जहाँ से आप आए? तो कब आए हैं आप? तो ट्रैक्टर ट्राली आई है या आप अकेले आए? तो क्या बताया गया है आप केंद्र पर? यहाँ पर तालाब ये लाल है भाई, कुछ नहीं तो क्या ये टोकन वगैरह कुछ बताया गया, बनाया गया है कि अपने स्वेच्छा से आप लेकर पहुँचे? नहीं नहीं, अपने स्वेच्छा से क्या, तो कोई दिक्कत तो आपको नहीं महसूस हो रही है यहाँ पर? दिक्कत नहीं। और कुछ किसान हैं मैं इनसे भी पूछूंगा, क्योंकि अब यहाँ कैमरा चला है तो भारी संख्या में किसान जो है पहुँचे हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं अभी बात करूँगा, दिखाऊँगा आपको। कहाँ से आया जाना? कब आए हैं आप? सुबह आए हैं। धान लेकर आए हैं या अकेले आए? धान लेकर काली कौन हो रही है? हाँ तो समस्या लगी है। तो ये रोड पे आप खड़ी कर रहे हैं, इससे घटना दुर्घटना भी हो सकती है? जिम्मेदार का सरकार हुई, प्रशासन हुई। ये भी किसान है, ये ट्रैक्टर डाली घाट से लेकर निकल चुके हैं अपना धान बेचने के लिए, यही समस्या है यहाँ पर। अब हालांकि जो किसान यूनियन है वो जो है धान उनका भी नहीं बिक रहा है, जो उनके पदाधिकारी हैं इसी के लिए अब ये लोग दो चार दिन पहले ज्ञापन भी तहसील प्रशासन को दिए थे, जहाँ पर
पहुंचकर अलर्ट किया था कि 2 तारीख तक अगर हमारा लोगों का धान नहीं तोला जा रहा है तब हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। हालांकि धरना प्रदर्शन जैसी यहां कोई बात दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आज अचानक यहां पर जो आमद है वो पूरी तरीके से ट्रैक्टरों की और ट्रालियों की जो धान लदा हुआ है उसकी रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट।